नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। मैं पंडित राजगुरु शर्मा आपको एक बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूं। फेंग शुई के अनुसार दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति आपके घर में सोते समय डर जाता है, नींद अच्छी नहीं आती है या स्वास्थ्य रहता है खराब, तो उनको क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको मेरी ऑडियो वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें। और यदि आप जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप डिटेल भेज सकते हैं, हम आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे, लेकिन इसकी उचित फीस भी जमा करनी होती है। दोस्तों, मैं आता हूँ टॉपिक पर कि जिन व्यक्तियों को अच्छी नींद नहीं आती है, रात में सोते समय डर जाते हैं या उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो उनको सबसे पहले ये नियम लागू कर लेना चाहिए। यदि आप रात में सोते हैं तो आपके जो बेड है या आपकी खटिया है या आपका तकत है जिस पर आप सोते हैं, तो आपके सिरियाना जो इधर होता है, जिधर सर होता है, उधर पक्की दीवार होनी जरूर होती है, होनी चाहिए। यानी कि जिधर आपका सिरियाना हो, सर हो, उससे टच पीछे पक्की दीवार होनी जरूरी होती है, जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगी, आपको नींद अच्छी आएगी और आपको रात में सोते समय कोई डरावनी चीज नजर नहीं आएगी और या आप रात में डरेंगे नहीं। तो आप सबसे पहले इस नियम को आप लागू कर लीजिए, इस नियम पर आप चलिए, इस बात पर अमल करिए कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप नींद अच्छी लेना चाहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं और रात में सोने पर डर जाते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो आपका सिरियाना दीवार से टच होना चाहिए, पक्की दीवार होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी दिशा हो। दोस्तों, यदि आपको मेरी ऑडियो वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर करना और कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसी के साथ फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।